नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। भारतीय कथित जासूस कुलभूषण जाधव पर पाक पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का बयान। कहा, कुलभूषण जाधव के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं, पाकिस्तान ने कुलभूषण पर जासूसी करने का लगाया था आरोप। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ा। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। पिछले साल जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल बनी थी पर्सन ऑफ द ईयर। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में दो सैन्य जनरल को मिली जगह। मरीन कॉर्प्स के रिटायर जनरल जेम्स मैटिस होंगे रक्षा मंत्री, वहीं रिटायर जनरल जॉन कैली होंगे गृह मंत्री। शपथ समारोह में होगी नियुक्ति। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस विमान हादसे में 48 लोगों की मौत, कई घायल। एडबाबाद के नजदीक पटोला गांव में विमान हुआ था क्रैश, जांच में ईंधन में पाई गई दिक्कत। इराक में आईएसआईएस के कब्जे वाले अलकेम इलाके में गलत जगह गिरी मिसाइल, बच्चों और महिलाओं समेत 63 लोगों की मौत, कई जख्मी। अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना और इराकी सेना पर हमले का शक। और चीन में हुबेई प्रांत के कोयला खदान में गैस विस्फोट, 11 कर्मियों की मौत, कई जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।